किसानों ने अपना आंदोलन किया स्थगित। 11 दिसंबर से किसानों की घर वापसी शुरू होगी। किसान 15 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक साल से ज्यादा वक्त से किसान आंदोलन कर रहे थे। इस फैसले के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने अपने अपने तंबू उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि केंद्र ने किसानों की मांग को मान लिया है और एक नया प्रस्ताव संगठनों को भेजा, जिस पर सहमति बन गई है। किसानों को सरकार की तरफ से आधिकारिक चिट्ठी मिल गई है। इस चिट्ठी में किसानों की मांग मानने को लेकर सरकार की आधिकारिक मुहर लग गई है। एमएसपी पर कमेटी बनाने और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए केस को वापस लेने को लेकर किसान नेता केंद्र सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन की मांग कर रहे थे। केंद्र की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव पर गुरुवार सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की। बैठक में इस बात पर सहमति बन गई कि आंदोलन खत्म किया जाएगा। उस पर 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में चर्चा करके तय किया जाएगा। 13 दिसंबर को किसान स्वर्ण मंदिर जाएंगे। किसान नेता बलवीर राजेवाल ने कहा कि वे बड़ी जीत लेकर जा रहे हैं। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक शुरू होने से पहले ही आंदोलन स्थलों से किसानों ने अपने टेंट हटाने शुरू कर दिए थे। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।